सुबह उठ गई। आज का वीडियो थोड़ा वियर्ड है, पता नहीं कैसे शुरुआत करूँ, कैसे बोलूँ। एक्चुअली इट सेज आई एम प्रेग्नेंट। मैंने कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट टेस्ट भी किया, सेकंड टेस्ट भी किया, तो पॉजिटिव आया एंड आई एम सो हैप्पी। गॉड, ओ माई गॉड, एंड आई एम सो हैप्पी। शुभ घर पे है नहीं, वो गया है बाहर और वो कल आएगा, रिटर्न आउट ऑफ स्टेशन गया है। एंड मुझे ये बात शेयर करने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ में मैं शेयर करूं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं नर्वस भी हूँ, स्केयर हूँ। मैं मुझे शेयर करना था किसी के साथ और वो खुद नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में ये चीज़, ये न्यूज़, ये गुड न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूँ। और मैं, मुझे पहले ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो हम लोग दोनों ही प्लानिंग ही कर रहे थे और मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो कल मैंने रात को वीडियो कॉल किया शुभ के साथ। ये वाला देखिए। तो शुभ के साथ में मैंने वीडियो कॉल करके उसको मैंने झूठ बोला कि हो सकता है कि कल मैं, मतलब कि आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और मैं कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह लूंगी क्योंकि मेरे स्टमक में थोड़ा पेन हो रहा है। मैंने उसको रीज़न नहीं बताया, आज मैं श्योर होना चाहती थी सुबह, तो मैं श्योर हो गई एंड डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी मैंने ले लिया है आज का। तो उसे नहीं पता है, तो जब शुभ ये वीडियो देखेगा तो आई एम सो सॉरी शुभ कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने का सिर्फ यही कारण था कि मैं ये न्यूज़ आपको सामने लाइव अपने आँखों के सामने दिखाना चाहती थी। और ऐसा नहीं है कि, मतलब कि मैं आपको फ़ोन पे वीडियो पे बोल सकती थी, पर ये सब बात मैंने सोचा कि आपको सामने बोलूँ और आपका रिएक्शन देखूँ कि कैसा है। सो दैट्स वाई एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने आपसे झूठ बोला। मेरे को उस शुभ से झूठ बोलना नहीं आता, तो मैं अगर डॉक्टर के पास ये सब बड़ा बड़ा कुछ करती हूँ तो मेरे पेट में बात नहीं रहता। तो मैंने उसको बोल दिया कि मेरे पेट में थोड़े क्रैम्प्स हो रहे हैं, मुझे पेट दर्द हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर को थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो उसने बोला ओके फाइन। उसने थोड़ा थोड़ा मुझसे पूछा भी, लेकिन मैं हंस रही थी, लेकिन मैं बहुत गंदा हूँ एक्टिंग करने में, बट ओह माय गॉड, मैं बहुत गंदा हूँ एक्टिंग करने में। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश किया कि मैं उसको ना बोलूँ। मेरा तो पेट में बटरफ्लाई हो रहा था कि मैं बोलूँ, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, ऐसा और एक दिन है, कंट्रोल कर लो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा कल तक। कल आप उसका रिएक्शन देखोगे, मतलब इसी वीडियो में आप कंटिन्यू देखोगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, वेरी नर्वस, वेरी स्कैरी, एंड डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है। एंड ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है और मुझे लगा कि ऐसे होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोग के साथ में पहले शेयर करूंगी इस बात को, फिर उसके साथ में शेयर करूंगी। और होपफुली आप आगे देखते रहिए। अभी मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, सो मेरा अपॉइंटमेंट है 12 बजे का, तो डॉक्टर के पास मैं जाऊंगी एंड होपफुली सब कुछ ठीक हो। अब मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है एंड ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। कभी मतलब मैंने सोचा नहीं था। और शुभ तो छोड़ दीजिए, उसका रिएक्शन मुझे नहीं पता कैसा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आगे देखिए, थोड़ा और आगे वीडियो देखिए और स्टे ट्यून रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए। और लेट्स सी, होपफुली आज और कल का दिन कट जाए अच्छे से। सो सी यू गाइस।